We have a YouTube channel. Yeah. एक फॉर्मूला वन कार है और एक नॉर्मल फरारी है उसको है। So, जी अब हम आ चुके हैं फरारी वर्ल्ड एंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा बढ़िया तरीके से बैक कैमरे से। सो फटाफट से लेते हैं टिकट्स एंड देखेंगे कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे हम, फिर उसके बाद वी विल सी और इसके बाद कहाँ जा सकते हैं, ग्रैंड मॉस्क या फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस। तो पहले ये कवर करते हैं, आज हम अभी वाटर पार्क नहीं जा रहे हैं, वार्नर्स ब्रो भी नहीं जा रहे हैं, वार्नर्स ब्रो इज़ ऑल अबाउट किड्स, अब कार्टून वाटर हम क्या ही करेंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा हम कुछ और कवर कर लेंगे। चलते अंदर लेते टिकट्स फिर बात करेंगे, चलो। सो दैट्स हाउ द फरारी वर्ल्ड लुक्स। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ फरारी वर्ल्ड, दैट्स हाउ इट स्टार्ट, फरारी वर्ल्ड अबू धाबी। एंड पहले चलते हैं फटाफट से टिकट लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे, लेट्स गो। अंदर से भैया कुछ दिखता है ऐसा फरारी वर्ल्ड, ठीक है, फरारी का लोगो है बीच में एंड देयर यू कैन गेट द टिकट्स एंड सो दिस इज द होल वॉक अराउंड ऑफ फरारी वर्ल्ड। चलिए चलते हैं फटाफट से लेते हैं टिकट फिर उसके बाद देखेंगे। चलो जी वी आर गोइंग इन टू फरारी स्टोर, देखते हैं यहाँ पे कितने का क्या क्या सामान है। वैसे मैंने अभी जैकेट देखी थी बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, मतलब अच्छी 100% मैक्सिमम कैपेसिटी इज देयर स्टोर कैपेसिटी। So they have pouches, they have caps, so many things they have. Okay, they have cups. Let's see कितने का है कप। Wow, 90 dirhams, 2000 rupees. हाँ जी, finally got the Ferrari World ticket. 325 dirhams की एक टिकट है for an adult, which comes up to 7000 something. तो आप उसको calculate कर लेना वैसे, और आप प्री बुक भी करा सकते हो उनकी वेबसाइट पे, बट हमें लगा हमें लगा यहाँ पे कुछ आके डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कुछ डिस्काउंट नहीं मिला तो हमने यहीं से ही करा लिया, मतलब यहीं आके डायरेक्ट टिकट ले ली। सो वी आर गोइंग इनसाइड देन देखते हैं क्या क्या करेंगे फिर बात करते हैं। सो ये है बिल्कुल अंदर का सिनेरियो, जब आप टिकट्स ले लोगे तो अंदर कुछ ऐसा दिखता है, ये फरारी है ऐसी एक डेमो कार रखी हुई है। हाँ जी, और उसके बाद हम चल रहे हैं अंदर, दिस इज़ फॉर किड्स, आप अपने छोटे बच्चे को इसमें बिठा जाओ और फिर घुमाते रहो बाहर। वो देखो दो दो गाड़ियाँ लगा रखी हैं, एक फार्मूला वन कार है और एक नॉर्मल फरारी है, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें इंजन विंजन नहीं है कुछ भी, खाली घुमा रहे हैं। तो पहली राइड ली भाई बच्चों वाली थी तब से, वो उसमें ही मज़ा था आ गया। फास्टेस्ट रोलर कोस्टर में क्या होगा इस फरारी वर्ल्ड के अंदर, ये इसमें यहाँ पे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर इन द वर्ल्ड दे हैव, सो वही ट्राई करना है, उसमें ही एक्सप्रेशन देखेंगे कैसे हो जाएंगे अपने। चलो भैया चलते हैं देखते हैं क्या होगा, लेट गो। हमने अभी किया टर्बो ट्रैक, मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया था, फास्ट सीधा लेके जाता है, डन ऊपर घुमाएगा फिर वापस गोली की स्पीड से, मैं कह रहा हूँ एकदम गोली, मज़ा आ गया। अभी देखते हैं अभी फिर हम जाएंगे वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर का, आई एम वेटिंग। चलो चलते हैं अभी। दे ऑल्सो हैव अ डाइनिंग एरिया वेयर ऑफिसर्स हेड क्वार्टर्स, यू नो बर्गर्स एंड ऑल एंड वॉकल एंड क्रेप्स यू कैन हैव इट, एंड दिस इज समथिंग लाइक विंटेज फील, मारानेलो, मेड इन मारानेलो। सो चलो भैया चलते हैं आगे जाके देखते हैं क्या है, यही रास्ता है ना। सो दिस इज द स्क्रीन, राइड इंफॉर्मेशन स्क्रीन, यहाँ पे आपको वो उसका नाम क्या है फास्टेस्ट वाले का, फॉर्मूला रोसा, ठीक है ठीक है। सो दिस इज द स्क्रीन, आप यहाँ पे सारे राइड की टाइमिंग्स देख सकते हो और कौन कौन सी किस्टम चल रही है, तो हमें देखना है फॉर्मूला रोसा का। चलो देखते हैं, फॉर्मूला रोसा 5 मिनट्स, ओके okay. अभी स्पीड ऑफ मैजिक, अबे अंदर क्यों नहीं जा रहे हम, यहाँ पे फरारी हैं। ओके okay, अब हम जा रहे हैं फॉर्मूला रोसा फास्टेस्ट रोलर कोस्टर इन द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू फॉर्मूला रोसा फास्टेस्ट रोलर, वी आर गोइंग टू फॉर्मूला रोसा
fastest roller coaster in the world. Let's go. So this was the Formula Rossa. यार नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया। मतलब पहले 10 सेकंड तो मैं आपको बता नहीं सकता, जो फटती है ना जिस स्पीड से जाता ही है ऊपर नीचे दाएं बाएं, पता नहीं भाई नुकसान उबूद कर देगा। लेकिन पहले 10 सेकंड के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ओके नाउ वी कैन डू दिस। बट पहले 10-15 सेकंड तो भैया कुछ याद आने का भी टाइम नहीं मिलेगा, मम्मी पापा याद आने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतने में आप नॉर्मल हो जाओगे। हाँ सो एक अच्छी बात हो गई अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की, आई कैन ड्राइव फरारी। एंड देर आर डिफरेंट पैकेजेस, दिस वन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, 1100 दिरहम समथिंग। दिस वन इज़ द स्पाइडर एंड वेट आई विल टेल यू बाय बैक कैमरा। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया टी, कैलिफोर्निया टी फॉर 600 दिरहम्स। देन नेक्स्ट वन इज ओटोपेरा, दिस वन इज ओटोपेरा, दिस वन इज ओटोपेरा इज 895। ओके एंड हाउ मेनी दिरहम्स? स्पाइडर 488-1135 दिरहम्स। सो फाइनली आई एम हैविंग सम इंडियन नॉर्थ इंडियन फूड। यहाँ पे मेरे को दाल मखनी कॉम्बो मिला, एल पोडियो, आई एल पोडियो इज द रेस्टोरेंट नेम एंड मेरा है गेरा। मैं अभी कोक लेने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम चलाएंगे फरारी। फाइनली फाइनली फर्स्ट टाइम फाइनली। चलिए मैं फटाफट से कोक लेता हूँ, देन आई विल टेल यू हाउ इज द दाल मखनी कॉम्बो। फिर चलिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग, वन नान, दाल मखनी कॉम्बो, रायता। ये सलाद के नाम पे क्या दिया है ये भाई? प्याज चाहिए मेरे को, सलाद के नाम पे घास फूस दे दी। ओ अचार, चम्मच, बहन जो इतना चमचा होता है हमारे घर में। चलो यार खाते हैं फिर बताएंगे कैसा है ये। On the right lever once, it goes into fast food, yes. Right? That's automatic now. Okay. And we can slowly proceed forward, always keeping distance from the curve. Yeah. And you can enjoy the drive. I will always let you know which direction we go, okay? So you have a YouTube channel? Yes. Very good. मैं कह रहा हूँ आप आओ फरारी वर्ल्ड, प्लीज एक बार फरारी जरूर चलाना, इट विल बी अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। मेरा तो फर्स्ट टाइम था यार, एक दिन अपनी भी जरूर चलाएंगे, फॉर श्योर चलाएंगे। आस्क फॉर डैनियल, आस्क फॉर डैनियल। बहुत नेक्स्ट लेवल, 140 तो पता ही नहीं चलता कब पहुंच जाती है यार, कुछ पता ही नहीं चलता। एक्सीलरेट ज़ूम, एक्सेलरेट ज़ूम। चलो यार मैंने चला लिया, अब चल रहे हैं अंदर। फ्रेंड्स कैसा था एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया। सीट्स आर नॉट कंफर्टेबल, फ्रंट इज फाइन, फ्रंट इज फाइन। सो वी आर हेयर इन फरारी वर्ल्ड एंड वी गोना गिव द कार एंड टेक द वीडियो। सो इनसाइड फाइनली एवरीथिंग इज डन, I got my Ferrari bag. In this I have my pictures, I have my video and they have given me a book. उसके अंदर मेरा फोटो है और प्रिंस के साथ फोटो है। यार नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, एक्सपेंसिव बट आई कैन टेल यू गाइज कि आपको 12-13 हज़ार में इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी फरारी चलाने को। आई कैन बेट 15-20 हज़ार में भी नहीं मिलेगी आपको फरारी, चाहे 15-20 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट का ड्राइव था। But it was all worth it. It was all worth it. I can tell you guys.
So if you get a chance, please, please don't miss it. Do it. You're gonna love it. So we'll be going for karting. जब मेरे दोस्त लोगों ने लिया है कार्टिंग टिकट, चलो चलते हैं उनके साथ। अब हाँ जी, हमारा हुआ ख़त्म फरारी वर्ल्ड, एंड ये मैंने आपको दिखाई दिया था। नाउ वी आर इनटू यास मॉल, यास मरीना मॉल। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहले मेरे को कैरीफोर जाना है यार, कुछ चॉकलेट्स पॉकलेट्स ले लूँ सबके लिए। एंड दिस इज अंडरगार्मेंट है, चलो चलते हैं यार मॉल के अंदर, फिर आगे आपको दिखाएंगे कैसा है मॉल। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, फाइनली वी आर एंटरिंग इन टू दिस कैरीफोर। दिस इज़ देयर वेरी एडवांस हाइपर मार्ट, यू कैन से दिस इज़ वेरी कॉमन हाइपर मार्ट इन UAE। तो ये रहा मेरे पीछे कैरीफोर, यहाँ चलते हैं देखते हैं यार क्या क्या ले सकते हैं। हमें थोड़ा सा वो लेना है यार, क्या बोलते हैं, चॉकलेट्स एंड ऑल, चिंगम्स एंड ऑल, वो सब देखते हैं, लेते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। चलिए हाँ जी, तो हम आ गए थे होटल, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ग्रैब सम डिनर। मैंने पास में अभी गूगल मैप्स पे देखा है 9 in the night कि यहाँ पे बीकानेर वाला है, तो बीकानेर जा रहा हूँ खाना खाने। हाँ जी, तो हम लिफ्ट में बात कर रहे थे कि खाना खाने जाना है। हाय हाय यार, पता नहीं मेरे को तो चिकन की स्मेल इतनी बुरी लगने लगी है ना यहाँ पे, अजीब सी हो गया है मेरे को। मतलब पहले मेरे को इतना था नहीं, लेकिन अब चिकन की स्मेल मेरे को चढ़ रही है, पता नहीं क्यों। नॉनवेज की स्मेल मेरे को दिक्कत कर रही है, पहले ऐसा था नहीं मेरे साथ, पर ठीक है, होता है कभी कभी। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे पास में मैंने बीकानेर देखा है 2 किलोमीटर पे है, तो मैं भाई मेरे को तलब लग रही है अब इंडियन खाना खाने की, कुछ रोटी चावल ऐसा कुछ खाना है। तो यास मरीना में मैंने आपको बताया था कि वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको यार, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, भूल गया मैं, हाँ दाल मखनी कॉम्बो, बट वो इतना सड़ा हुआ था यार, तो मैं बता नहीं सकता। मतलब उसमें उन्होंने मक्खन ज़्यादा डाल दिया था, नमक ज़्यादा डाल दिया था, क्रीमी बटरी बटरी टेस्ट आ रहा था, बहुत बेकार, मतलब नॉट गुड। सो या आई गॉट द टैक्सी, यहाँ पे टैक्सी ऐसे चुटकी बजा के मिलते, चुटकी बजा के टैक्सी, आप हाथ दो टैक्सी, लोकल टैक्सी इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसका फेयर भी कम से स्टार्ट होता है। हेलो, आई वांट टू गो बीकानेर, बीकानेर या फाइनली कुछ हमें होप मिलती हुई कि वी विल गेट सम गुड फूड, हियर इट इज़ बीकानेर वाला। ओ भाई सही में, मतलब यार देखो ऑनेस्टली UAE में अगर आप वेजिटेरियन हो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, सही में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, ऐसा नहीं है हमें नहीं मिले होंगे, मे भी ऐसा हो सकता है, बट बहुत लिमिटेड है। चलो लेट्स गो, अचीव समथिंग गुड। सो फाइनली बहुत दिनों बाद एक इंडियन फूड, रोटी, पनीर, मिक्स वेज, रसगुल्ला, दाल, चलो भाई खाते हैं, फटाफट से भूख लगी बहुत ज़्यादा। हाँ जी गाइस, मस्त डिनर करा बीकानेर पे। ओहो, अब ये लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, दे आर आस्किंग मी टू कम अलोंग विद देम, बट मेरा 1% भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने खाना खा लिया और मस्त डॉक्यूमेंट रिलीज हो गया, उनको नींद चाहिए। सो आई एम कैंसलिंग द प्लान ऑफ गोइंग आउट, वेकअप टुमारो, गो फॉर वाटर स्पोर्ट्स, गो फॉर सम डिफरेंट एक्टिविटीज। Till then, keep watching Wonderverse 96 and one more thing, don't forget to meet your parents for this. Bye bye. इस vlog को यहाँ पर end करते हैं, कल अपना होगा last day in UAE. 12:11:40 midnight flight है back to Delhi. So कल का दिन और explore करेंगे, फिर उसके बाद back to basics. Bye bye guys. Good night.